आज से तकरीबन 1.5 साल पहले हिंदुस्तानी मस्जिद में जुम्मा की नमाज के वक्त तकरीबन जमात खड़े होने से 10 मिनट पहले हाउस के पास में एक बैग मिलता है। इन हाउस की तरफ दौड़ा, उस बैग को उठाया और बाहर ले जाकर फेंक दिया। अल्लाह पाक का लाख एहसान था कि उसमें ऐसी कोई चीज नहीं थी, ऐसी कोई चीज नहीं थी। वो चीज तो आप छोड़ दीजिए, मगर इस शख्स की बहादुरी को आप क्या कहेंगे। इस शख्स ने बॉम्ब स्फोट का इंतजार नहीं किया, हिसाब से गैर कानूनी है। डिपार्टमेंट ने ऐसा कोई इनको सर्टिफिकेट नहीं दिया, मगर हमारे नागपाड़े के पुलिस स्टेशन में 26 जनवरी पिछले साल 26 जनवरी के दिन उनको वहां पर बुलाकर हमने इनको अवार्ड से नवाजा। इन्होंने मस्जिद के मेंबरान से कहा कि आप लोग चीख पुकार ना करें, आवाज ना करें, ये काम आपका हो जाएगा। अच्छा, का विषय है या भूमिपुत्र के लोगों की मोहब्बत है कि हमारे एक छोटे से पैगाम पर, एक दावत नामा मिलने पर लोग दौड़े चले आते हैं, उनका भूमिपुत्र की जानिब से इस्तकबाल करते हैं। हुदा टाइम्स हमारे बायकला और आगरी पाड़े के एसीपी जनाब दीवानी साहब भी तशरीफ लाए हैं, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। यहाँ से रवाना तो हो चुके हैं, मगर उन्होंने हमसे वादा किया है कि थोड़ी देर के बाद में उनको एक कॉल आ गया, किसी पेशेंट को देखना है। तो अच्छा लगता, गुजरा हुआ बोलेंगे तो जरा सा उसमें वजन पैदा नहीं होता है। अच्छा, सर आपके सामने मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारे छोटे से दावतनामे पर अजीम शख्सियतें यहाँ तशरीफ ला रही हैं। सब उनमें एक खास हमारे हिंदुस्तान अखबार के चीफ एडिटर रूहे रवा सरफराज आरजू साहब और खिलाफत कमेटी खिलाफत ने अपने हाथों की नसों को काट दिया। मैं नाम नहीं बताऊंगा किस्सा किसका है, मगर इस बात को थोड़ा तो मुझे इस बात का हक है कि मैं कह दूं कि वो शख्स यहाँ पर मौजूद है। वो डॉक्टर के पास जाती है और जिसम का पल उस बच्ची के दर्द को नहीं समझे और वही काम करे जो वो चाहती है, तो मैं समझता हूँ उसे गलत बात और कुछ नहीं होगी। वो डॉक्टर साहब ने उस बच्ची को अपनी बेटी की तरह समझाया और उससे कहा कि जिंदगी बहुत अजीम चीज है, किसी एक शख्स के बारे में उसको जिंदगी का अपना हिस्सा समझ कर
पॉजिटिव ऐसा किधर भी नहीं है, क्योंकि सब इंसान एक है। लेकिन कुछ समाजी लोगों ने अपने फायदे के लिए इसको लेबल लगा दिया, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन जैनी लगा के अपनी दुकान चला रहे, वो दुकान चलाने का मामला पूरा है साहब ये। क्योंकि और कुछ एक ऐसी गलतफहमी पैदा की गई कि मुस्लिम ब्लड डोनेशन नहीं करते, ये बहुत गलत बात है। ये मुस्लिम ब्लड डोनेशन करते हैं और उसकी मिसाल पहले भी हो चुकी है और अभी भी जरूर आपको देखने मिलेंगी कि मुस्लिम बड़े पैमाने पर ब्लड डोनेशन करते हैं। मुझे याद है जिस वक्त गुजरात में जब वो जलजला आया था, उस वक्त ज्यादातर खून मुसलमानों ने दिया था, उस वक्त बहुत ज्यादा खून मुसलमानों ने दिया था, गुजरात के लोगों ने भी दिया था और बॉम्बे के लोगों ने भी दिया था, एक बड़े पैमाने पर मुसलमानों ने खून दिया था। तो ये जो गलतफहमी जो है ये फैलाई जा रही है, बाकायदा इंटरेस्टेड लोग उसको फैला रहे हैं कि नहीं मुसलमान इस चीज के खिलाफ है, जो ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात ये कि ये सब सियासी लोग हैं जो इसको मतलब एक तफरका पैदा करते हैं, इंसानों में सब चीजें नहीं है। ये बहुत कम लोग हैं जो 0.01% लोग हैं जो ये जो समाज में जहर पैदा कर रहे हैं। आज यहां बैठे हुए इसमें तमाम कौम के लोग हैं, लेकिन कुछ एक लोग चाहते हैं कि ये सब चीजें ना हो और आपस में अपने सियासी फायदे के लिए ये सब बातें चल रही है। सामाजिक खिदमत ये सबसे बड़ी खिदमत है, सबसे बड़ी खिदमत है सामाजिक खिदमत। जिस तरह से मन्नान भाई अभी बैठे मेरे बाजू में, इन्होंने एजुकेशन में जो काम किया है समाज के लिए, एक बहुत सराहनीय है। सरपंच साहब ने मुझे पहले कहा कि इन्होंने 25 साल पहले स्कूल अडॉप्टेशन का काम शुरू किया, स्कूल अडॉप्ट करके उसमें अच्छी तालीम दी जाए, इससे बड़ा काम और कोई नहीं कर सकता, इन्होंने किया है। लेकिन किनको उनका नाम पता नहीं अभी। ऐसे लोगों की सताइश होना चाहिए, ऐसे लोगों को स्टेज पे लाके इनका इस्तकबाल करना चाहिए और उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें करना चाहिए, ताकि लोगों में इस बात का मैसेज जाए कि समाज सेवा करना जरूरी है। जो समाज सेवा करेगा वही समाज के सर पर ताज बन के बैठेगा।